Hello guys. Very, very, very good evening everyone. Very good Shikha. Very, very good evening Swapnil. Very good evening Vipin and Prerna. Very good evening all of you. We shall start in one minute. All right. One minute on the clock and we shall start business environment can the business environment chapter. All right. See you in a minute. Hello everyone. Very good evening, all of you. Very good evening, all of you. Very good evening. Yes, guys. Chalo, start karte aaj ka session. I hope you have got good rest after the current affairs class. Hello, dear students. Very, 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 very good evening, all of you. I am Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar, and I hope you had a good time uh, attending current affairs lectures and. कुछ स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे मी okay? you know, well. कांग्रेचुलेट की जो विनर्स रहे हैं करंट अफेयर वाले क्विज के लेट मी कांग्रेचुलेट द विनर्स खुशी गोयल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जितना मैंने देखा खुशी गोयल और रघु कृष्ण का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है पिछले क्विज़ में सो एंड रघु कृष्ण लॉस्ट आउट ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग आई सपोज तो रघु एंड खुशी वेरी 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 आई गेस यू हैराउंड सेवन um mrunalini mrunalini मृणालिनी मृणालिनी बिग ग्राउंड ऑफ असर ऑल ऑफ यू की कल के सेशन में हम लोग कल के सेशन में हम लोग बदला लेंगे राइट सोज वेल डन एंड Let's start, guys. Again, good students, I guess, so let me introduce myself to you, guys. Uh, I'm Pavan Gahukar, I'm a chartered accountant, I'm a company secretary, I'm a lawyer, I'm a graduate, and I'm a postgraduate in commerce. I'm also DSA qualified, and I've taught more than 20,000 students. I've been teaching since last 10 years, all right. So, guys, that's that about me, and I'll make sure that you qualify this exam CSET Amari Zemmedari. ओके okay, तो so हमारे 25 मार्क्स के सिलेबस में बिजनेस एनवायरमेंट में दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं जिसमें हमने हमनेशिप चैप्टर कंप्लीट किया है बिजनेस एनवायरमेंट में ऑन्टरप्रीनरशिप भी आर डन विद जिसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने डिस्कस किए गुड इवनिंग एवरीवन वंस एंड फॉर ऑल अब हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर पे स्विच करते हैं सो बिजनेस इज बेसिकली एनी एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ परचेस सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट्स बिजनेस हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा आर द बिजनेस रघु रघु मेक अ मार्क फॉर योर सेल्फ कल हमने खुशी को रिकॉग्नाइज किया था और आज वो फर्स्ट आ गई तो आज हम लोग नैन्सी प्रेरणा सौम्या स्वप्निल इन सबको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं किमान

और फिर पैसा बनाने की कोशिश करोगे प्रॉफिटेबिलिटी अब मुझे एक बात है ठीक है मुझे नहीं पता तुम रईस हो मुझे नहीं पता तुम मिडिल क्लास हो मुझे नहीं पता कि तुम गरीब हो मुझे कुछ भी नहीं पता है ठीक है मुझे कुछ भी नहीं पता है आपके पास कोई दस रुपए का नोट या बीस रुपए का नोट पचास रुपए का नोट सौ रुपए का नोट पांच सौ रुपए का नोट है? है अगर है तो निकालो निकालो कोई कार्ड्स वगैरह मत निकालना मैंने नोट मांगी है मुझे नोट चाहिए ठीक है मैं भी निकाल लेता हूं एक नोट जी निकाल लिया आपने कोई नोट निकाल लिया आपने नोट अब एक काम करो ठीक है निकाल लिया आपने नोट वेरी नाइस nice. अब एक काम करो इस नोट को इस नोट को जो भी नोट है आपके पास दस रुपए का बीस रुपए का टू मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने कॉइन्स निकाले या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड निकाला है नोट बोला है नोट नोट निकालने का ठीक है अब इस नोट को फाड़ दो जो तुम्हारे हाथ में नोट है फाड़ दो उसको फाड़ दो इस नोट को फाड़ दो काफी लोगों ने जैसे ही मैंने कहा नोट को फाड़ दो वैसे उन्होंने ये अपने वैलेट में उन्होंने वापस रख दिया एकदम भाई ये तो नोट फड़वा रखो राइट right? हिम्मत हुई क्या फाड़ने की बोलो बोलो मुझे तो आप दिख नहीं रहे हो ना तो आप कुछ भी कह सकते हो बट सच कहना हिम्मत हो रही है क्या नोट फाड़ने की बताओ आशीष इज बैक आशीष तुम कल थे ही नहीं ऐसे तो ऐसे थोड़े ना बनोगे सीएस नहीं हो रहा है ना नहीं हो रहा है ना नहीं होगा इतने आसानी से नहीं होगा क्यों? हमारे दिल में छपा है हमारे दिल में छपा है बचपन से छपा है कि भाई साहब कि भाई साहब चाहे तुम गरीब हो चाहे तुम रईस हो चाहे तुम मिडिल क्लास हो चाहे कुछ भी हो हम लोग किसी भी रिसोर्स तो को वेस्ट नहीं करते किसी भी स्टेज पे रहो एक मेन बिजनेस है यू नो एक ऑब्जेक्टिव मेन है हर बिजनेस का एफिशिएंसी क्या कहते हैं उसको एफिशिएंसी नहीं वैष्णव वैष्णवी ने माँ वैष्णवी ने एकदम सही कहा नहीं हुई सर वैल्यूएबल है वेरी गुड एमी वेरी गुड आदिल वेरी गुड आशीष सो गाइस आई गेस तुम चाहे कितने भी बड़े कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ ये आपको हमेशा याद रहेगा मुझे लगता है अब एफिशियंसी और जिस तरीके से हमने एफिशिएंसी याद किया ये भी याद रहेगा इसका एक स्टिकी नोट बना लो सीएस प्रोफेशनल तक काम आएगा सीएस बनने के बाद भी काम आएगा बना लो जल्दी वेरी गुड शिखा इट्स डन वेल डन सो दब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे बिजनेस एनवाइरमेंट ये बिजनेस एनवायरमेंट चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है क्यों क्यों जानना है हमने हर बिजनेस को यह है हमारा बिजनेस करेक्ट ये है हमारा बिजनेस और हमारे बिजनेस को उसके बाउंड्री के बाहर जो एनवायरमेंट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ट्रू ऑफ हमारा जो बिजनेस है और उस बिजनेस के बाहर जो एनवायरमेंट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा व्हाट से क्या कहते हो नहीं सर कैसी बात कर रहे हो फर्क तो पड़ेगा बिजनेस का एनवायरमेंट एंवर्म, का बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है, है राइट एनवायरमेंट का बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है चलो एक सवाल पूछो आपसे यस yes. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड नाइनटीन ठीक है ये तो एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए इतना कोविड कोविड सुन लिया हमने लेकिन कोविड नाइनटीन ये बिजनेस के लिए एनवायरमेंट है ये बिजनेस के लिए एनवायरमेंट है हां या नहीं कोविड नाइनटीन ये बिजनेस के लिए एनवायरमेंट हुआ हाँ सर तो क्या कोविड नाइनटीन जो एनवायरमेंटल फैक्टर है क्या उससे बिजनेस को असर हुआ है हाँ या ना हाँ सर बहुत असर हुआ है, बहुत असर लग गई कितने बिजनेस की है ना बिजनेस ओके इसलिए बिजनेस को एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है और एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से अडाप्ट भी करना पड़ता है जैसे सारी पढ़ाई पढ़ाई बननी हुई स्टूडेंट्स की आप तो वो फेज से गुजरे हो आप उस फेज से गुजरो जिस फेज से तो आपने ट्वेल्थ पास किया है आपने तो सबसे ज्यादा सहा है कोविड को लेकिन क्या टीचर्स ने पढ़ाया नहीं आपको बिल्कुल पढ़ाया सर जिन्होंने कभी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास क्लास नहीं ली थी उन्होंने भी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया हम तो साल से ले रहे हैं लेकिन उन्होंने भी लेना स्टार्ट कर दिया बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से बदलता है बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से बदलता है और अगर आप बदलते नहीं हो तो मर जाओगे तुम आप बदलते नहीं हो तो तुम मर जाओगे इसलिए बिजनेस का ये जो ब्लू है

खोलने का अलाव ही ना करे गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है अनसर्टेनिटी इज द बिगेस्ट डैमेज दैट कोविड हैज डन सो गाइस अनसर्टेनिटी उसके बाद डायनामिक नेचर व्हाट डी मीन वर्ड डायनामिक बोलो व्हाट डी मीन बाय पीपीटी नहीं मिल सकता बेटा ये पीपीटी बहुत महंगा है पूरे इंडिया में कोई ऐसा पीपीटी नहीं बना सकता ये मैंने बनाया हुआ है असिस्टेंट ने बनाया हुआ बीपीडी नहीं है <laughs> आपको इस सेशन में से मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है बेटा ठीक है ये ये ग्राफिक्स कौन कौन ला ला सकता है? कौन सा ला सकता है है सा टीचर इंडिया में कौन नहीं ला सकता हाँ वेरी गुड अमीशा गुप्ता वेरी गुड डायनामिक यानी चेंज तो गाइस टेलीकॉम इंडस्ट्री रूल टिल टू थाउजेंड में थे क्या तुम 2016 में थे तुम जिंदा थे याद है तुमको 2016 में क्या होता क्या 2016 में 2016 के साल का कुछ याद है तुमको से हाँ सर वो 2016 में तुम थे ना जिंदा थे ना ध्यान था क्या तुम्हारा 2016 हजार सोलह में तुम लोग सेवेंथ एट में होंगे तो सेवंथ एट तक कौन से सिम कार्ड चलते थे क्या हो गया खुशी 2016 तक कौन से सिम कार्ड चलते थे बताओ बताओ दो हजार सोलह तक कौन से सिम कार्ड वाली कंपनियां बहुत बहुत चलती थी बहुत चलती थी नहीं 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 आशीष गाइस 2016 तक एयरटेल और वोडाफोन चलते थे 2016 तक एयरटेल आईडिया वोडाफोन चलते थे और फिर मोटा भाई ने फिर मोटा भाई ने क्या लॉन्च किया बताओ फिर मोटा भाई ने लॉन्च किया जियो और सब तहस नहस हो गया ये तो एक दूसरे के कंपिटिटर्स थे आइडिया और वोडाफोन मिलके वी बन गया एयरटेल नंबर वन हुआ करता था अब एयरटेल नंबर टू पे आ गया क्या ये एनवायरमेंट बदलते रहता है जो एक जमाने में इंडस्ट्री रूलर्स थे वो अब लॉस में जी रहे वोडाफोन आइडिया तो बंद होने की कगार पे है एनवायरमेंट इज सो डायनामिक इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट कीप्स ऑन

नए लोगों की बात सुननी पड़ेगी डो नॉट एक्ट ओवर स्मार्ट दिस इज नॉट गोन हेल्प यू दिस इज नॉट हेल्प यू टेक एनी वेयर एनी वे क्या लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा करो ढंग से टेलीकॉम इंडस्ट्री रूलर्स टू थाउजेंड सिक्स दो हजार सोलह में तो जियो लॉन्च हुआ था तो टिल 2016 में रूलर्स होने का तो कोई चांस ही नहीं है तो दिमाग लगाओ या फिर इंग्लिश समझो ढंग से सो गाइस एनवायरमेंट चेंजेस ड्रामेटिकली कोई कुछ भी हो सकता है पांच साल बाद हो सकता है एयरटेल फिर से उड़ जाए या कोई नया कंपनी फिर से उठ जाए यू नेवर नो उसके बाद एक और पॉइंट है।, है इका है इका है ये क्या है ये कोल्ड ड्रिंक्स कितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स को लेके नेगेटिव है कितने लोग कोल्ड ड्रिंक्स को लेके नेगेटिव है बताएंगे मुझे सर कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे नहीं होते सर लेके नेगेटिव कितने लोग हैं? ठीक है सर वो ज़्यादा पसंद नहीं हमें ठीक है, उसमें से भी कुछ न्यूज भी देखी है 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 मैंने पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह, क्या सुना है कि तुमने ऐसा न्यूज़? हाँ सर वो हमको इतना नहीं पसंद कोक एंड तो ये आर्टिकल पढ़ो तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम नहीं करते बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे All right, hope you have read it. अब कैसा है हमें पढ़ना है रिलेटिविटी यहां पे पेप्सी और कोका कोला की हुई जम के नेगेटिव पब्लिसिटी और इसका फायदा उठाया किसने हमारे 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 कौन हमारे हमारे आदरणीय हमारे आदरणीय कौन बोलो हमारे आदरणीय आओ रामदेव बाबा पिक बाबा पक बाबा ने इसका भरपूर फायदा उठाया और विदेशी कंपनियों ने हमारे भारत के अर्थशास्त्र व्यवस्था को बहुत चकनाचूर कर दिया है और इस एड का फायदा उठा के पकिंगेई ने लॉन्च किया पकिंगई फ्रूट जूस ये मौका देखा और और एक का नुकसान एक का नुकसान दूसरे का फायदा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी ठीक है सो गाइस रिलेटिव एक का नुकसान दूसरे का फायदा इसको कहते हैं रिलेटिविटी ठीक है आई होप आई होप यू आर लविंग दीज लेक्चर्स मजा आ रहा है क्या बताओ

और एनी वे इतने सारे फैक्टर्स हैं और इतने सारे फैक्टर्स आके हमको पागल कर देते हैं सबके सब मिलके हमको पागल बना देते हैं सब कुछ हमको परेशान कर देते हैं ठीक है एंड 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 ये सब कुछ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी थी तो इतने सारे फैक्टर्स एक साथ जब इतने सारे फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं जब इतने सारे फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो हमारे लिए कर देते हैं ये सारी चीजें ये इतने सारे डायनामिक रिलेटिविटी ये वो हमारे लिए जैसे हमारे लाइफ में भी मल्टीपल फैक्टर्स है जो हमको परेशान कर देते हैं हमारे टीचर्स के एक्सपेक्टेशन हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन हमारे बड़े भाई जो अच्छे ऑलरेडी हाई लेवल पे उनके एक्सपेक्टेशन वगैरह 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 ठीक है Guys, हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट बिजनेस में तो इतने सारे फैक्टर्स है इतने सारे फैक्टर्स मिलके सब कुछ बना देते हैं कॉम्प्लेक्स क्या बना देते हैं कॉम्प्लेक्स सो गाइस दिस आर द फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक है हाँ सूरज सिंह बीप समझेंगे तुमको बीप समझ रहा हो ना तुम ठीक है ये सारे फैक्टर्स हमको मिलके पागल बना रहे हैं हम आगे तुम समझ जाओ सो गाइस दैट्स दैट सो बाबा रामदेव पचेंगे बाबा एंड दैट इज हाउ इट विल बी डन ठीक है सो दैट्स दैट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे एनवायरमेंट है पॉलिटिकल एनवायरमेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट सोशल फैक्टर्स टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स एक एक करके हर एक एनवायरमेंट को जज करता है पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या पॉलिटिकल एनवायरमेंट के कारण बिजनेस पे इंपैक्ट होता है सोचो जरा पॉलिटिकल एनवायरमेंट हाँ सर वो पॉलिटिक्स ही तो है जो हर चीज को संभालती है या बनाती है या बिगाड़ती है पॉलिटिक्स ही तो है जो हर चीज को बनाती है बिगाड़ती है दू क्या एकदम खतरनाक एक एग्जाम्पल दू क्या मैं आपको तुम कभी नहीं दिखाओगे ऐसा एग्जाम्पल एक एकदम खतरनाक दू क्या लेकिन इसके लिए फिर सीए से नॉलेज लाना पड़ेगा मुझे चलेगा कि तुमको थोड़ा सीए का बताया तो थोड़े सीए के एग्जाम्पल चलेंगे क्या हमको है क्या हमारी ताकत बोलो सर कैसी बात करो हमको चैलेंज मत करना है ना सही है ना चैलेंज ना करियो सर हमको वेरी नाइस आई लाइक द स्पिरिट हाँ हाँ लेके आओ लेके आओ देख लेते हम सबको देख लेंगे वेरी नाइस कहा गए रहे चलो लो आ गया तुम्हारा एग्जाम्पल ये कहां से आ गया अच्छा चलो ठीक है ये एग्जाम्पल आ गया तो इसी को लेके चलते आगे मैगी 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 कितने लोगों को मैगी पसंद है विपिन कुमार यादव क्या बोला है तुमने वाह आज से तुम मेरे लिए मीम बनाओगे ओके विपिन नाउ मैगी मैगी जो है ना सबको ही पसंद होगा क्या कहते हो यानी जितना हमको मैगी पसंद है उतनी ही नफरत है हमारी मां को क्या कहते हो उतनी ही नफरत है हमारी मां को क्या कहते रही? राइट सही तो कह रहा हूं ना मैं जितना हमें पसंद है मेरी मैगी कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं मेरी मैगी जितना हमें पसंद है उतना ही हमारी मम्मी को नफरत है अब मुझे बताओ मैगी मैगी बैन हो गया था बीच में ऐसा पता है आपको थोड़ा बहुत कि मैगी बैन हो गया था बीच में डी नो दैट खुशी गोयल कह रही है नहीं सर मम्मी भी साथ में खाती है आपकी मम्मी एकदम मॉड है फिर मॉडर्न एकदम ठीक है हमारे मम्मी ने तो बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा लगता उन लोग चलो कोई नहीं सो या टेल मी बैन हो गया था मैगी करेक्ट हाँ वेरी गुड कुश हाँ, सर लीड का यूज हो रहा था मैगी 1982 से इंडिया में आया कब से 1982 से मैगी इंडिया में आया और 2015 तक 33 इयर्स तक 30 वेरी गुड वैष्णवी तुम्हारी मम्मी भी मॉडर्न है ऐसा नजर आ रहा है 2015 तक उसमें कोई दिक्कत 33 साल तक हमारे मैगी में किसी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई करेक्ट पैतीस साल तक हमारी मैगी में किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई एंड ऑल ऑफ अडन एंड ऑल ऑफ अडन दो हजार पंद्रह में मैगी में लेड मिल गया मैगी में लेड मिल गया और मैगी छह महीने के लिए बैन हो गया कितने महीनों के लिए मैगी बैन हो गया छ महीनों के लिए मैगी बैन हो गया छह महीने के लिए मैगी बैन हो गया मुझे एक भी और लेड बोल रहे थे लेड कैंसर और कैंसर मैगी में right? मैंने मैंने बहुत सारी घटिया घटिया न्यूज पढ़ी है लेकिन मैंने कभी ये फेक न्यूज में भी नहीं पढ़ा कि मैगी खा के कोई मर गया एम राइट right? मैंने फेक न्यूज में भी नहीं पढ़ा कि मैगी खा के कोई मर गया एम राइट गाइस सही तो कह रहा हूं ना मैं लेड बोल दिया यार छह महीने के लिए बैन हो गया और फिर वापस अभी तो वापस मिल रहा है अभी तो मैगी वापस मिल रहा है मिल रहा है क्या आज 2021-22 में मिल रहा है क्या मैगी महीने का बैन था फिर बैन हट गया फिर छह महीने मैगी तो ढूंढ रहे होंगे ना लोग नूडल्स तो ढूंढ रहे होंगे ना लोग कहा है नूडल्स ओए इसमें लीड था या नहीं था ये तो किसी को पता ही नहीं चला ये सारा किराया किसका था ये सारा किया कराया था हमारे डियर पचिंगी बाबा समझ रहे हो क्या हमारे जी पचिंगी बाबा का ये खेल था एंड दैट इज हाउ इट अनफोल्डेड बीच में मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए मीम बनाना कौन स्टूडेंट था वो विपिन कुमार यादव उन्होंने कहा था मोदी का हाथ बाबा के साथ जो विपिन कुमार यादव जी ने कहा है मोदी का हाथ बाबा के साथ और ये क्यों ये घिनौना खेल हमारे के साथ क्यों खेला गया था पतंजी का खिलौना खेल क्योंकि पतंजलि को अपनी पतंजलि को अपनी आटा नूडल्स लॉन्च करनी थी पतंजलि को अपनी कौन सी नूडल्स आटा नूडल्स लॉन्च करनी थी और वो सक्सेसफुल भी हो गया गाइस वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन बिजनेस वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन बिजनेस वेरी गुड वैष्णवी पतंजलि भी, भी मैगी आई थी पतंजलि की भी मैगी आई थी वेरी गुड सूरज सिंह कहते हैं शिल्पा शेट्टी लाइट व्हाट इज दिस ऐसा कौन बोलता है इनके ऊपर ठीक है ये हिंदुत्व वाले हैं तो इनको बीजेपी इनको थोड़ा हेल्प करता है इस टाइप का फीलिंग है मार्केट में आई एम नॉट ठीक है लेकिन बाबा जी हम आपको बताना चाहेंगे ये पतंजलि का आटा नूडल्स खाने से अच्छा हम लेड की खा मैगी खा के मर जाना चाहेंगे क्या कहते हो दोस्तों हाँ सर वो वैसा ही हुआ सर तो ये अपने आप नहीं हुआ था ये सारा पॉलिटिकल एंड एजेंडा था ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा था कहा तो था मैंने अगर तुमको ये केस स्टडी जबरदस्त लगी हो तो किल दैट लाइक बटन मजा आ जानी चाहिए। अगर तुमको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो किल दैट लाइक बटन एकदम जबरदस्त और फिर वो मोटिवेशन मिलेगा ना यार कि और अच्छा करे और कुछ अच्छा बताए तुमको उसके बाद यहां यहां कोविड 19 से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। और हम अपने पिताजी को कह रहे हैं। पिताजी पिताजी हमको हम लोग चलो नई आउडी खरीदते हैं लेट्स बाय आउडी क्या कहते हो ठीक है नहीं आउडी खरीदते क्या कहते हो सही है क्या शिखा गुप्ता आपको so मजा ही आ गया। मजा आ आ गया जाएगा तुम पढ़ो तो मुझसे कुछ दिन सो so सुखाई ये कैसा लग रहा है नानसी थैंक यू थैंक यू दीपल वो ऑलरेडी लाइक द वीडियो एंड आई एक्सपेक्ट सम पीपल टू यू नो किल दैट बटन

ठीक है अच्छा लिंबॉर्गीट ऑल एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख के यार देख के झलक जैन है नाउ पैदल चलो स्वस्थ रहो वेरी नाइस nice. ये भी बाबा रामदेव की तरफ से बोले जा रहे है चार बांगड़ी वाली गाड़ी दीक्षिता जैन तुमको कैसे बताइए एग्जाम्पल तुमको कैसे पता है एग्जांपल आई वुड लाइक टू नो तुमने वीडियोस देखे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऑलराइट ऑलराइट कूल सुपर कूल अब गाइस ये क्या है बताओ चलो नेक्स्ट जबरदस्त एग्जांपल पे चले क्या कहते हो अरे यार नेक्स्ट जबरदस्त एग्जांपल पे चले या खत्म करें आज का लेक्चर यही बोलो बोलो लंबर गिननी चाय जनिया दिस इज जींस करेक्ट अब मुझे आप बताइए हु ये कॉन्सेप्ट बनाया किसने जीन्स से कंसेप्ट बनाया किसने किस लाया है जीन्स हम बॉयज को तो बहुत पसंद है जीन्स एक बार खरीदो छ छ महीना चल जाती है छे छे ना चल जाती है तो एक एक जींस लाओ धोने की भी जरूरत नहीं पहनते रहो पहनते रहो सब लोग लेक्चर कंटिन्यू करो लेक्चर कंटिन्यू करो कह रहे करेंगे भाई मजा आने तक करेंगे सो बताओ यस वेरी गुड अंकुश कुमार जीन्स इन्वेंट करने वाले लेवाइस जीन्स को इन्वेंट करने वाले लेवाइस ठीक है अब लेवाइस ने एक नया ट्रेंड लाया मार्केट में लेवाइस ने एक नया जींस लाया उसका डिजाइन देखना है आपको लेवाइस ने एक नया जींस लाया उसका डिजाइन देखना है आपको यह है नया डिजाइन कैसा लगा आपको यह हमारा बेहतरीन डिजाइन कैसा लगा कैसा लगा यह हमारा इंपेकेबल और बेहतरीन डिजाइन कैसा लगा क्या ये जींस बढ़िया है मजा आ जाएगी इसको पहनने में अरे मजेदार है यार हवा लगेगी यहां से चलो पहन लेते हैं सर कितने लोगों को ये पूरा गारंटी है अगर मैंने ये जींस पहना तो जो मेरे दोस्त है या फिर जो भी लोग मुझे जानते हैं मेरे दोस्त रिश्तेदार ये मुझे कम से कम अगले पांच सालों तक रेडिक्यूल करेंगे क्या कहते पांच सालों तक अगले पांच सालों तक रेडिक्यूल करेंगे अगले पांच सालों तक मजे ले लेंगे राइट right? right? मजे ले लेंगे लोग ये नहीं चलेगा सोशल फैक्टर सोशल फैक्टर्स जोकर बोलेंगे करेक्ट सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम फॉर एग्जांपल

हमारे आजू बाजू वाले लोग तो मुझे तो लगता ही है कि क्रिटिसाइज करने के लिए पैदा हुआ है क्या कहते हो दोस्तों हाँ सर सबके सब, सब क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं किसी को कुछ ढंग का लगता ही नहीं है चलो एनीवे नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी फैक्टर टेक्नोलॉजी बदल गई तो बहुत बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है बिजनेस पे यानी यू नो यानी आप अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हो तो आप मार्केट से बाहर निकल जाओगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल दू क्या एक नई केसडी दू क्या पागल हो जाओगे तुम लोग तुम्हारे बस की नहीं है मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस की है क्या कहते हो चलो कुछ सीए से ले आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए स्टूडेंट भी आज एकदम फॉर्म में लग रहे हैं तो चलो तुमको भी देते तुम भी डिजर्व करते हो अच्छा एग्जाम्पल रुको देते हैं तमको एग्जांपल एग्जाम्पल में चलो ये बताओ ये क्या है बताओ वॉट इज दिस वॉट इज दिस ये क्या है क्या है ये हा? है क्या ये क्या ये समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है जल्दी बताओ दिस इज अ कैमरा करेक्ट और इस कैमरा में अगर आपको फोटो खींचनी है तो यह लगता था एम ए राइट इस कैमरा में अगर आपको फोटो खींचनी है तो इसकी जरूरत पड़ती थी थैंक यू शिखा हमको इसकी जरूरत पड़ती थी ठीक है ये कंपनी थी वो कोडैक कोडैक नाम की कंपनी थी और रोल भी खुद ही का ही होता था इनका एक कोडैक कंपनी थी एक फूजी फिल्म कंपनी थी दो कंपनीज थी एक दो और होगी बट मुझे जो मेरे जो दिमाग में वो दो ही कंपनीज है मोर देन 90 परसेंट मार्केट शेयर कोडैक का था मोर देन 90 परसेंट मार्केट शेयर कोडैक का था 90 परसेंट और गाइस आज कोडैक का कई नामो निशानी नहीं है क्या कहते हो कोडैक का कोई नामो निशान कोई जानता है कोडैक को आज क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई डिजिटल कैमरास लॉन्च कर दिए सोनी ने बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारी कंपनीज ने डिजिटल कैमरास लॉन्च कर दिए कोडैक अपनी जगह खो बैठा और उन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदले नहीं खत्म हो गया है खत्म हो गया है आज कोडैक क्या करती है बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही है

तो लॉ तोड़ोगे तो बेल दिए जाओगे तुमने देखा ना शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान का बेटा इलीगल काम करते हुए पकड़ा समथिंग इज रॉन्ग ओके तो आप लॉ नहीं तोड़ सकते चाहे आप इतनी भी बड़ी कंपनी हो बहुत सारे लोग पकड़े गए ना बॉस इलीगल काम करने के लिए हर कोई एवरी वन का इीगल आप काम आप कर ही नहीं सकते इलीगल काम आप कर ही नहीं सकते और आप जो लेजिस्लेशन में लॉ में चेंजेस होने वाले हैं उसके हिसाब से आपको बदलते रहना पड़ेगा आप लॉ के हिसाब से नहीं बदले आप लॉ के हिसाब से नहीं बदले तो तो फिर मुश्किल है आप लॉ के हिसाब से नहीं बदले तो फिर मुश्किल हो जाएगा और आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि लॉ कैसे चेंज होने वाला है और उसके हिसाब से हमें रेडी होना पड़ता है ओके सो so ये थे सारे फैक्टर्स टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल कौन सा टाइप पढ़ना है फिर से या नहीं समझा है मुझे बताओ आई टीच यू अगेन धर लिए जाओगे तब कोई फैक्टर है जो फिर से पढ़ाना है या टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट क्लियर है ऑलराइट, ऑल क्लियर सिद्धि सिंह आई होप इट इज द सेम विध एवरी से इंटरक्ट भी करना है और अडोप्ट भी करना है क्विज uh, yeah, that. का पैटर्न आपको समझ गया ऐसा मुझे लग रहा है क्विज का पैटर्न आप लोगों को समझ गया ऐसा मुझे महसूस हो रहा है तो तो uh, yes, कल का क्वेश्चन था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक इन्वेंशन आर टू बी शिका गहरी आप पढ़ाते इतना अच्छा हो तो डाउट आए ही ना वेरी गुड आई एम सो हैपी टू रीड दैट ओके ओके सो गाइस क्वेश्चन वॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेंशन आर टू बी ऑप्शन नंबर वन कॉपीराइट ऑप्शन नंबर टू ट्रेडमार्क ऑप्शन नंबर थ्री ट्रेड सीक्रेट्स ऑप्शन नंबर फोर पेटेंटेड वट इज द आंसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे इन्वेंशन को क्या कराना पड़ता है इन्वेंशन को कॉपीराइट कराना पड़ता है या ट्रेडमार्क कराना पड़ता है या ट्रेड सीक्रेट या पेटेंट बताओ सर ये पेटेंट ही कराना पड़ता है द आंसर इज डी एंड वेरी गुड वैष्णवी एवरीथिंग इज क्रिस्टल डियर तो गाइज अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट फाइव जो विनर्स है उसमें हमारी क्लास में से कोई नहीं है मैंने आपको काफी लोगों को पहचान गया हूं मैं शिखा विपिन स्वप्निल ठीक है अभी रघु कृष्णा ये नया बंदा ऐड हुआ है खुश इन सबको मैं सम, मैं जान गया हूं पर हमारे फर्स्ट फाइव में तो मुझे नजर नहीं आ रहे ठीक है फर्स्ट इज परिमल सेकंड इज रूमल थर्ड इज सत्यम फोर्थ इज अनुष्का फिफ्थ इज वैष्णवी सिक्स इज सानिका देन दीक्षिता सो सिक्स सेवेंथ इज दीक्षिता जैन फ्रॉम आर क्लास दीक्षिता राइट योर फ्रॉम आर क्लास बैच यस दीक्षिता ओके सो गाइस दीक्षिता इज फ्रॉम अ क्लास तो हमारी क्लास में से फर्स्ट है दीक्षिता ठीक है उसके बाद मोहित गोयल इज माय इंटर स्टूडेंट्स इज माय इंटर स्टूडेंट उसके बाद मोना मोना इज फ्रॉम आ क्लास एज वेल ओके नाइन्थ रैंक है मोना की हमारी क्लास में से मोना सेकेंड है ऑल ओवर इंडिया मोना नाइन्थ है उसके बाद आर्या इज अ सीए स्टूडेंट जतिन इज अ सीए स्टूडेंट देन हमारे क्लास के स्वप्निल शुक्ला जी

पूरे दस के दस मुझे अपने स्टूडेंट चाहिए क्या कहते हो तो? बोलो करें क्या आज आज क्विज करें या रहने दे बोलो बोलो आज क्विज करें या रहने दे तुम बोलो योर विश इज माई कमांड तुम जो बोलोगे वही होगा दिस इज नॉट माई क्लास दिस इज योर क्लास तुम बोलो क्या करना है <coughs> Whatever दैट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन ओके हां काफी लोगों को इंस्टा आईडी चाहिए तो गाइज इंस्टा आईडी इज इंस्टा अंडर स्कोर पी ए वी एन एन ओके दैट द इंस्टा आई डी डेली करेंगे पूरा ऐसा पढ़ाई करेंगे और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तुम यहां डेली आओ मैं तुमको सी एस सीटी पास कराऊंगा टीम बी एम एल आपके लिए मेहनत करेगी और सुनो सिर्फ इसी क्लास पे नहीं मेरी करंट अफेयर्स और बाकी क्लास पे भी नजर रहती है और जो स्टूडेंट्स मेरे को एक बार अगर तुम नजर में आगे मेरे तो देखो तुमको कैसे कहां ले जाता हूं मैं ठीक है क्विज इज इंटरेस्टिंग यस शर्मीन सब कुछ इंटरेस्टिंग होगा क्लास इंटरेस्टिंग है यानी टीचर से ज्यादा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है एंड ट्रस्ट इंटरेस्ट ऑन दिस आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स जो रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं क्या कहते हो

ये सब लोग मिलकर हम लोग ये क्लास बनाते हैं आई डोंट आई एम नॉट द टीचर सो हिट द किल द लाइक बटन फॉर एवरी वन एंड मेक श्योर दैट वी डू वेल इन दिस एग्जाम पूरी जान लगा देंगे तुम अपना एक महीना मुझे दे दो तुम्हारा तुमको मैं ऐसा कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि यहां सर मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा ये मेरी जिम्मेदारी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी पढ़ाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी का कहते हो ठीक है खुशी गोयल तुम टॉपर हो टॉपर को याद नहीं रखना पड़ता टॉपर अपने आप ही याद रहते हैं क्या कहते हो दोस्तों टॉपर अपने आप ही याद रहते वेरी गुड सेशन ट्रस्ट में जमीन में मुझे बहुत तुम्हारा नहीं पता मुझे मुझे बहुत मजा आया आज के सेशन में अरे क्या एग्जांपल आ गए. पढ़ाने में यू you नो know, पढ़ाने में जरा जरा ठीक है अंदर से खुशी आ रही थी सुपर कूल आई एम वेरी हैप्पी विथ योर रिस्पॉन्स ठीक है एंड लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम दैट वी हैव पूरी जान लगा देंगे और देखते हैं कि कैसे ये सीएस बी एस जो भी है यार इनका जो भी एग्जाम है ठीक है सब कुछ हम क्रैक कर जाएंगे इट्स नो बिग डील सक्सेसफुल है हम या फेलियर है इट ऑल लाइज हियर इट ऑल इज द दाइंड सेट मैं आपको सच्ची बताता हूँ मेरे कुछ स्टूडेंट है ठीक है मेरे सी एस सी टी सर सी एस सी टी मुझे देनी है मुझे एग्जाम के बीस दिन पहले मुझे इंदौर के किसी स्टूडेंट से एक मैसेज आया था ट्वेंटी डेज बिफोर ठीक है ट्वेंटी डेज बिफोर एक इंदौर के किसी स्टूडेंट से मैसेज आया था सर बीस दिन बचे हैं मुझे नहीं लगता मेरा सी एस सी टी होगा मैंने तो आपके लेक्चर देखने आज चालू किए एग्जाम से बीस दिन पहले मैंने उसको कहा मेरी जिम्मेदारी मैं पास करवाऊंगा क्या लगता है तुमको हुई होगी क्या पास हो बीस दिन पहले मैं आया था हुई होगी के पास बताओ गाइस बीस दिन के पढ़ाई में हमारे मोटिवेशन से हमारे ट्रस्ट से दैट गर्ल क्वालिफाइड दैट एग्जाम लाइक एनीथिंग सो so गाइस उनका अगर मैं 20 दिन का गारंटी ले सकता हूँ तो तन्मय शिखा खुशी वैष्णवी कुश सूरज तुम लोगों तो मैं जानता हूं तुमको तो पास करवा के रहूंगा ऑलराइट सो गाइस सुपर कूल ठीक है दैट्स दैट एंड दैट्स इट एंड वी कॉल इट अ डे हियर थैंक यू सो मच टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टडी वेल अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को बीएमएल को सब्सक्राइब करें